फ्रेंड्स, आज हम ईजमेंट राइट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या अगर हम किसी चीज़ के ऊपर कोई ईजमेंट राइट चाहते हैं तो क्या उसकी डीड बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कौन से ईजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक प्लॉट है, ये जो प्लॉट है ये प्लॉट नंबर सेकेंड है और ये प्लॉट नंबर आपका वन है, ये वन प्लॉट नंबर है और ये सेकंड प्लॉट नंबर है, ठीक है ना। अब ये जो है ये हमारा सी का व्यू है, ठीक है। अब जो प्लॉट नंबर वन वाला है, ये व्यक्ति चाहता है कि जो प्लॉट नंबर टू वाला है वो इस तरह से अपनी कंस्ट्रक्शन करे कि इसका जो व्यू है ना, मकान बनाने के बाद अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसका जो सी का व्यू है वो ख़त्म ना हो। तो वो जो सेकेंड प्लॉट का जो ओनर है उसके साथ एग्रीमेंट करता है ईजमेंट का एक डीड बनाकर कि भाई मैं तुम्हें कुछ पेमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको यह करना है कि आपको जब मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करूँगा और आप करोगे, तो मैं अगर अपने घर के ऊपर चढ़ के देखता हूँ तो जो मेरा सी का व्यू है वो आना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो आपको एक लेवल तक ही कंस्ट्रक्शन करनी है, मेरे इस उससे ऊपर नहीं करनी। तो वहाँ पर जो होता है एग्रीमेंट के अंदर वो सारा डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको क्या करता है, एक व्यू देखने का जो राइट है उसको हम ईजमेंट राइट कहते हैं कि भाई जो उसका व्यू है वो ख़राब ना हो इसकी कंस्ट्रक्शन के कारण। अगर इससे ऊपर कंस्ट्रक्शन चली गई तो फिर ये इसको नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता है कि जो प्लॉट नंबर ए वाला व्यक्ति है, जो मतलब कि टू नंबर प्लॉट वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है कि एक नंबर वाला व्यक्ति क्या करता है कि इसको कुछ पेमेंट दे देता है टू नंबर प्लॉट वाले को और फिर ये एग्रीमेंट कर ले जाता है। तो हम इस एग्रीमेंट को कैसे बनाएंगे वही हम इस डीड ऑफ ईजमेंट के अंदर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डीड ऑफ ईजमेंट। फिर लिखना है दिस डीड ऑफ ईजमेंट इज मेड ऑन द डे, किस डे को बनाई गई है, किस किस के बीच में बनाई गई है। पहले हेरिन कॉल द फर्स्ट पार्टी, फिर सेकेंड पार्टी आ जाएगा। फिर उस डीड के अंदर आप किस किस बात को विटनेस कर रहे हो वो लिखोगे। नाउ दिस डीड विटनेस एज फॉलो। पहली बात क्या है, दैट द फर्स्ट पार्टी हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए हाउस एट प्लॉट नंबर, जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी हमारी ये है जो पीछे वाली है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पार्टी है। फर्स्ट पार्टी कौन सी है हमारी, ये फर्स्ट पार्टी है, ये सेकेंड पार्टी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि जो सी के एरिया से पीछे ये फर्स्ट पार्टी है और ये सेकेंड पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी और सी के बीच में सेकेंड पार्टी है, इसको ध्यान में रखना है कि ये हमारा सी का है व्यू और ये फर्स्ट पार्टी और ये सेकंड पार्टी इनके बीच में आ रही है। इसको ध्यान में रख के आपने इसको देखना है कि दैट द फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, दैट द फर्स्ट पार्टीज हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए हाउस एट प्लॉट नंबर वन, कि जो फर्स्ट पार्टी है, जो पार्टी नंबर टू और मतलब कि जो पार्टी नंबर टू जो है वो फर्स्ट पार्टी और सी के बीच में है, कि एट जू बीच पे एक हाउस बना रही है वेयर ओवरलुक द सी, मतलब कि जो फर्स्ट पार्टी है हैज़ कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ प्लॉट नंबर वन एट जो भी जगह है जू द वेस्टर्न साइड वेयर ऑफ द ओवरलुक द सी, जहाँ से सी का ओवरलुक देखा जाता है। फिर सेकेंड पैरे में क्या आता है, दैट द सेकेंड पार्टी इज़ द ऑनर ऑफ द प्लॉट नंबर टू जो आ जाएगा ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द हाउस ऑफ द फर्स्ट पार्टी, मतलब कि फर्स्ट पार्टी के वेस्टर्न साइड में है, मतलब कि ये ध्यान रखोगे फर्स्ट पार्टी के बाद फिर मतलब सेकंड पैरा क्या कह रहा है, दैट द सेकंड पार्टी इज़ द ओनर ऑफ द प्लॉट ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द हाउस ऑफ द फर्स्ट पार्टी। थर्ड पैरा में आपने क्या लिखना है, दैट द सेकंड पार्टी जो है हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट, इसमें आपको मेन सारी बातें लिखनी है कि जो सेकंड पार्टी है उसने अमाउंट रिसीव कर लिया है, कुछ भी जो अमाउंट है जो भी उनके बीच में डील हुई है फर्स्ट पार्टी से, द रिसीव्स वेयर ऑफ द सेकंड पार्टी डज हेयर बाई एक्नॉलेज, और जिसकी रिसीव्स को वो एक्नॉलेज करती है जो सेकंड पार्टी है, ठीक है। सेकंड पार्टी कौन सी है, जो सी और फर्स्ट पार्टी के बीच में जिसका प्लॉट है, हेयर बाई एग्री एंड अंडरटेक्स, अभी वो क्या अंडरटेक करती है, टू रिफ्रेन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एनी स्ट्रक्चर, वो कह रही है कि मैं अपने आप को रिफ्रेन करती हूँ, मैं अपने आप को रोकूंगी कोई भी हाउस कंस्ट्रक्ट करने से, एनी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने से, सो एज टू ऑब्स्ट्रैक्ट द क्लियर व्यू ऑफ द फर्स्ट पार्टीज, कि जो फर्स्ट पार्टी है उसका क्लियर व्यू है सी का, वो सी को क्लियरली देख सके ऑन दी वेस्टर्न साइड
एज अवेलेबल नाउ एट द टाइम ऑफ द डीड, कि जब वो डीड बना रहे हैं उस टाइम जैसा व्यू अवेलेबल है वैसा का वैसा व्यू उसका अवेलेबल रहेगा अपने घर से। फिर फोर्थ में का लिखना है आपने दैट द सेकेंड पार्टी डज हेयर बाई डिक्लेयर, कि जो सेकेंड पार्टी वो डिक्लेयर करती है दैट ही सेल नोट इरेक्ट एनी स्ट्रक्चर ऑफ द हाइट एक्सीडिंग, भाई इतनी एक्सीडिंग होती सेकेंड पार्टी जो है वो कहती है कि मैं इससे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाऊँगी, इतने यार्ड से बताया मेरा मकान है इतने एरिए से ऊपर नहीं बनाऊँगी क्यों, जिसके जिसके कारण की जो पार्टी ए है उसका सी का व्यू ख़राब हो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपने लिखना है यार्ड अबाउ दी पॉइंट मार्क, फिर वो पॉइंट मार्क करने एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान में सारा दिखा के कि एक मार्क दिखा के इस मार्क से ऊपर मैं उसको नहीं बनाऊँगी। उसके बाद आप विटनेस कर लोगे, ये जो जो विटनेस है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के साइन आ जाएंगे, नीचे दो विटनेस आ जाएंगे आपकी। तो बस इस टाइप से आप लिख सकते हो। बाकी आपको कुछ और ऐड करना है कोई भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं।